तो दोस्तों नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पे। तो दोस्तों बहुत दिनों बाद रूबरू हो रहा हूँ मैं आप लोगों से। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया चल रहा होगा। और दोस्तों यहाँ तो बिल्कुल टाइम मिल ही नहीं पाता है, इसलिए वीडियोस थोड़ी कम हो गई हैं अभी, क्योंकि बहुत काम ऑफिस का भी बढ़ गया था। तो 5 डेज तो फुल वर्किंग ऑफिस होता है और सैटरडे संडे को मेरे मैचेस होते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था। और अभी भी मैं जस्ट आप लोग देख सकते हैं मैं मैच ही खेल के आ रहा हूँ, बट मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी बातें की जाएं, क्योंकि यहाँ के थोड़े से अपडेट्स मैं आप लोगों को बता दूं। और कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था, कुछ लोग पैकिंग के बारे में पूछ रहे थे, कुछ पैकिंग टिप्स पूछ रहे थे, और उनके कुछ स्पेसिफिक सवाल थे जो उन्होंने मुझसे पूछे थे, तो मैंने सोचा उनका भी जवाब दे दूं। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे तो ऑब्वियसली फुल समर स्टार्ट है। आई नो इंडिया में बहुत ठंड हो गई है अब, बट यहाँ पे तो बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया समर सीजन चल रहा है। अभी रात के 8 बज रहे हैं, बट आप देख सकते हैं पूरी एकदम अभी तक भी धूप निकली हुई है। तो बहुत ही बढ़िया सीजन चल रहा है यहाँ पे आने के लिए, तो इसीलिए जो लोग अभी आ सकते हैं वो बेस्ट टाइम होगा आने का। तो चलिए दोस्तों अभी मैं अपना आपसे चलते चलते बात करता हूँ, या फिर थोड़ी देर में घर पहुँच के आप लोगों से बातें करता हूँ, और आप जिन लोगों ने मुझसे सजेशन मांगे थे उन लोगों को मैं बताता हूँ और अपडेट देता हूँ। तो चलिए फिर। तो दोस्तों ये तो आप लोगों को पहले पता ही होगा कि अब बहुत सारा इंटरनेशनल ट्रेवल स्टार्ट हो गया है, और पीआर और सिटीजन के अलावा अब तो स्किल्ड माइग्रेंट्स और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी अलाउ कर दिया गया है। आई नो अभी काफी स्टूडेंट्स इंडिया से नहीं आए और बेचारे वो फंसे हुए हैं, बट अभी यहाँ पे सिंगापुर से भी फ्लाइट आई थी स्टूडेंट्स के, चाइना से भी आई थी, और अब इनका ट्रेवल बबल कल से जापान और कोरिया का भी स्टार्ट हो गया है, और इंडिया से भी अब इनका ट्रेवल बबल स्टार्ट हो गया है। सो आई होप कि अब जल्दी से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इंडिया से भी यहाँ आ सकेंगे काफी सारे, आई रियली होप। और जो लेटेस्ट अपडेट जो आज यहाँ की आई है वो ये है कि जो अब न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया में जो आने वाले हैं फुल वैक्सीनेटेड लोग, अब उनको 72 आवर्स की भी क्वारंटीन करने की नीड नहीं है। अब वो 72 आवर्स जो लास्ट वीक इन्होंने क्वारंटीन का रूल बनाया था 14 डेज हटा के, वो भी अब स्क्रैप कर दिया है। अब उन्हें 72 आवर्स भी क्वारंटीन नहीं करना है जो यहाँ पे फुल वैक्सीनेटेड लोग आते हैं। अब उन्हें डायरेक्टली बस यहाँ पे आना है, अपना फर्स्ट विद इन 24 आवर्स के अंदर एक RT-PCR टेस्ट करवाना है, और उसके बाद विद इन नेक्स्ट 6 डेज दूसरा एक RT-PCR टेस्ट होगा, दोनों नेगेटिव आने चाहिए, बट उन्हें अब कोई आइसोलेशन और क्वारंटीन करने की भी नीड नहीं है 72 आवर्स की। तो जो भी फुल वैक्सीनेटेड लोग हैं उनके लिए अच्छी बात है कि अब यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस काफी ईज हो रहे हैं। ऐसा नहीं है केसेस नहीं आ रहे, केसेस आ रहे हैं, अभी भी अराउंड 1200 केसेस हैं विक्टोरिया में जो आए हैं, और ओमिक्रॉन के केसेस भी आ रहे हैं, बट फिर भी रिस्ट्रिक्शंस ईज हो रही हैं, और अब ये सोच रहे हैं कि ऐसे काम नहीं चलेगा तो बुलाना तो पड़ेगा ही इंटरनेशनल ट्रेवलर्स को भी। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, एक तो मैं यही अपडेट देना चाह रहा था। तो ये तो यहाँ की बात, आगे मैं आप लोगों को और अपडेट्स और वो बताता हूँ कि जिन्होंने मुझसे पूछा है स्पेसिफिक पैकिंग के बारे में टिप्स। तो दोस्तों मैं अभी अभी अपने घर आ गया हूँ, और मैंने सोचा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और ये ध्यान से सुनने वाली चीजें हैं, तो मैं घर जाके आराम से ही बनाऊं, क्योंकि ये सारे मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल टिप्स दे रहा हूँ कि क्या सही में आपको पैकिंग में चाहिए होगा, क्या नहीं चाहिए होगा, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ जो मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया था, और उसके बाद अभी भी जो मैं कोरोना के बाद यहाँ आया था, तो उसी से मैं आप लोगों को सब बताऊंगा टिप्स। तो इसलिए अब आप ध्यान से सुन लेना ये सारी चीजें, मैं आप लोगों को बता देता हूँ जल्दी से, बोर नहीं करूंगा। और दूसरी बात, इसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई सजेशन चाहिए हो या फिर आप लोगों का कोई क्वेश्चन रह जाए तो कमेंट्स में जरूर लिखना। मैं ये सारे ब्लॉग्स और वीडियोस बनाता है इसलिए हूँ कि मेरा ज्यादा से ज्यादा लोगों से इंटरेक्शन हो और बातें हों, तो अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन रह जाए तो कमेंट्स में जरूर लिखना। तो दोस्तों ऑब्वियसली अब मैं थोड़ा घर वाले मोड में आ गया हूँ, तो इस पूरी वीडियो में मैं अपने सब्सक्राइबर्स के जो क्वेरीज है उनकी वो सॉल्व करता हुआ चलूंगा, और जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट आप लोगों को पता होना चाहिए वो मैं अपनी तरफ से बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मुझसे 2-3 लोगों ने ये बात पूछी है कि गोल्ड ज्वेलरी लाना अलाउड है नहीं अलाउड है ऑस्ट्रेलिया में, या फिर कितनी ला सकते हैं। अब मुझे नहीं पता उनका रेफरेंस पॉइंट कितना है या उन्हें कितना लाना है,
बट ऑफिशियली जो मैं आप लोगों को बता दूं कि ऑफिशियली तो वो 1 kg तक गोल्ड ज्वेलरियां ला सकते हैं, बट ऑब्वियसली कस्टम ड्यूटी वाले उनसे ड्यूटी लेंगे। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी लाना है, जो आप लोगों ने पहना हुआ है जनरली उसे तो कोई पूछता ही नहीं है, बट अगर आपके लगेज में ज्वेलरी है या फिर ज्यादा ज्वेलरी है तो वो ऑब्वियसली आपसे पूछेंगे भी कि क्यों इतनी लाए, और कस्टम्स वाले आपसे उस पर हैवी ड्यूटी भी लेंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखना जिन्होंने मुझसे गोल्ड ज्वेलरी वाला क्वेश्चन पूछा था। अगला फिर मैं अगर जो आगे चलूं, जिन्होंने मुझसे पूछा है कि कितनी सिगरेट्स ला सकते हैं या कितनी अल्कोहल ला सकते हैं, ऑब्वियसली मैं तो ना स्मोकिंग प्रमोट करता हूं, ना ड्रिंकिंग प्रमोट करता हूं, ना मैं करता हूं, बट अगर आप लोगों ने पूछा है तो इसलिए बता रहा हूं कि पहले रूल्स था कि एक इंसान 50 सिगरेट्स ला सकता था, बट लास्ट 2 ईयर्स में ये और कम हो गया, तो अब एक इंसान 25 सिगरेट्स ही ला सकता है जिन्होंने मुझसे पूछा है, और अल्कोहल 2.25 लीटर्स है जो ये ऑस्ट्रेलिया में वो ला सकते हैं ऑफिशियली, और जिसपे वो नहीं होगा कोई। बट हाँ, अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं कि बहुत सारे कार्टन्स भर के ले आएंगे सिगरेट्स के, तो अलाउड नहीं है, वो आपको एयरपोर्ट पे ही पकड़ेंगे, उस पर ड्यूटी भी लेंगे और ऑब्वियसली आपसे क्वेश्चन भी करेंगे। तो ये तो मेरे वो सब्सक्राइबर्स के क्वेश्चन थे। अगला जिन्होंने मुझसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था जो जनरली लोग नहीं पूछते हैं, वो था म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर कि क्या वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ला सकते हैं। जी हाँ, आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ला सकते हो अपने, बट आपके पास उतनी वेट और उतना स्पेस मतलब होनी चाहिए कि विद इन 30 kgs अगर आप अपने उसमें ला रहे हो चेक इन लगेज में, तो आपके विद इन 30 kgs में वो आ जाना चाहिए, वरना उस पर फिर एक्स्ट्रा पैसे अलग से लगेंगे। जैसे कि मेरा एक फ्रेंड तबला लाया था इंडिया से ही, तो वो ऑब्वियसली उसके पास ज़्यादा वेट नहीं था तो वो तबला साथ में ही ले आया था, या कोई इंसान यहाँ पे बहुत शौकीन होते हैं कोई हारमोनियम लाता है कुछ लाता है, तो आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ला तो सकते हैं, बट वो विद इन आपकी स्पेसिफाइड लिमिट होनी चाहिए, वरना ऑब्वियसली फिर आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। या बहुत से लोग गिटार के शौकीन होते हैं, तो वो गिटार अगर आपका छोटा साइज का है तो वो आपके केबिन लगेज में भी आ सकता है, जो इलेक्ट्रॉनिक छोटे गिटार आते हैं, अगर वो विद इन 7 kgs की लिमिट में है तो। बट अगर आपका गिटार भी बड़े साइज का है तो वो फिर उसमें आएगा चेक इन लगेज में, और वो फिर आपको बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा कि कुछ टूट वूट गया तो वो अलग बात है। तो ये तो मैं उनको बता रहा हूँ जिन्होंने मुझसे कई बार ये क्वेश्चन पूछे हैं। और सबसे पहले फिर अब आगे बढ़ते हुए जो मैं आप लोगों को पॉइंट्स बताता रहूंगा, सब्सक्राइबर्स के क्वेश्चन भी बीच बीच में सॉल्व करता रहूंगा, सबसे पहले जो मेजर पॉइंट मैं चाहता हूं कवर करूं वो है डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स पे आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना, बिकॉज हम क्या होता है और चीज़ों में तो बहुत ध्यान देते रहते हैं, कपड़े ऐसे होने चाहिए वैसे होने चाहिए, और डॉक्यूमेंट कुछ ना कुछ वहाँ रह जाता है, फिर उन्हें मंगवाना कोरियर करवाना वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। मेरे साथ भी एक बार एक डॉक्यूमेंट रह गया था, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट्स पे पहले ध्यान देना। ऑफकोर्स टिकट पासपोर्ट वीसा ये तो होगा ही होगा, ये तो मैंडेटरी और वो तो सब रख ही लेंगे, बट साथ में आपके अगर PR वाले आ रहे हैं तो वो अपने सारे अपने एक्सपीरियंस लेटर्स जो आप लोगों के पुरानी कंपनीज के हों, सैलरी स्लिप्स ये सब लेके आना, यहाँ पे सैलरी स्लिप्स पूछ लेते हैं। और उसके बाद अगर आपके स्टूडेंट भी आ रहे हो तो आपके जो रेफरेंस लेटर होंगे, SOPs होंगे, सब चीज रख के लाना साथ में, और हर एक की कॉपी आप लोग ऑनलाइन जरूर सेव होनी चाहिए कहीं ना कहीं, गूगल ड्राइव पे या ड्रॉप बॉक्स पे या जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज करते हो वहां पे जरूर हर चीज की कॉपी, हर एक चीज की कॉपी वहां पे रखना, क्योंकि वो नीड आ जाती है। और कुछ ना कुछ इंडियन IDs भी अपने साथ जरूर लेके आना, चाहे आधार कार्ड हो चाहे पैन कार्ड हो। मैं इसलिए क्यों बोल रहा हूं कि कभी खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए कि आप लोग अपना पासपोर्ट ही कहीं लूज कर दें यहाँ पे, तो फिर क्या होता है कि अगर आप इंडियन एम्बेसी भी जाओगे तो अपनी कोई ID तो आप लोगों के पास अपनी साथ होनी चाहिए इंडिया की भी, कि वहां पे अपनी ऐसे बता के और पूरा अपनी ID दिखा के ये बोल सके कि मेरा ऐसा हो गया और मेरे को रिप्लेसमेंट पासपोर्ट चाहिए। तो मैं बस ये चाहता हूं कि आप लोग हर चीज के लिए रेडी रहे, क्योंकि मिस हैपनिंग कहीं पे भी कैसे भी हो सकती है। तो इसलिए प्लीज आप लोग को इंडियन ID भी कैरी करना, और ऑब्वियसली जो लोग ड्राइव करते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस तो मस्ट है कैरी करना है ऑस्ट्रेलिया में, बिकॉज उसके बेसिस पे आप शुरू में यहाँ पे 6 months ड्राइव भी कर सकते हैं, और फिर उसी के आगे आप दिखा के यहाँ का फुल लाइसेंस ले सकते हैं। वरना अगर आप लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है ही नहीं तो वो तो फिर आप लोगों को फुल प्रोसेस जाना पड़ेगा, पहले लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, फिर आगे जाके ये बनेगा आपका अपना फुल लाइसेंस। तो प्लीज
जो इन लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है वो चिप वाला ड्राइविंग लाइसेंस लेके जरूर आए, वो मस्ट है यहाँ पे, बिकॉज कुछ भी हो हर एक को यार ड्राइविंग की नीड होती ही होती है। और रिज्यूम भी ले आना जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं जॉब्स के लिए, बट ऑब्वियस ही बात है इंडियन फॉर्मेट जो है हमारा और जो यहाँ का फॉर्मेट है वो डिफरेंट है। यहाँ पे शॉर्ट रिज्यूम प्रेफर करते हैं, मैक्सिमम 2 पेजेस के अराउंड, अगर एक्सपीरियंस ज्यादा भी है तब भी मैक्सिमम 3 पेजेस। इंडिया में जो होता है वो फॉर्मेट लॉन्ग होता है थोड़ा, वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा कुछ लिखते हैं, लॉन्ग लॉन्ग फॉर्मेट्स के रिज्यूम होते हैं हमारे, वो यहाँ पे नहीं चलते। तो यहीं का एड्रेस, यहीं का फ़ोन नंबर और शॉर्ट फॉर्मेट के रिज्यूम यहीं आके बनेंगे, बट आप लोग अपनी वहाँ की 1-2 कॉपी ले आना। तो ये तो हो गई हमारी डॉक्यूमेंट्स की बात। अब आगे चलते हुए दोस्तों, जो मेरे पास बहुत से मैसेज आए मेरे पास पहले भी, जिनकी क्वेरीज थी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को लेकर, कि कोई पूछ रहा था कि मोबाइल यहाँ से लें या इंडिया से नया लेके आए, कोई पूछ रहा था लैपटॉप का क्या करें। तो उन्हें मैं क्लियर कर दूं कि अगर आपके पास सही सलामत चलता हुआ लैपटॉप मोबाइल अभी है तो उसे चलाते रहिए, यहाँ पे यूज़ करिए कुछ टाइम जब आपकी जॉब लग जाए, और आगे आपके चाहे पार्ट टाइम जॉब हो फुल टाइम जॉब हो कुछ भी, तो यहाँ आप इजीली ले सकते हैं कोई भी मोबाइल, कोई भी लैपटॉप, और उसकी EMI बनवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी वहाँ नया लेने की, एंड में नया लेके वहाँ से यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्लाइटली लैपटॉप्स के रेट भी कम है, और उसके बाद आप फिर पूरे टाइम वो एक साथ में कन्वर्टर लेके घूमेंगे हर टाइम, कि क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे पिन फ़र्क है, इंडिया के पिन फ़र्क है, और हर कंट्री का मोस्टली पिन फ़र्क ही होते हैं। अगर आप US में जाएंगे, कनाडा जाएंगे तो वहाँ फ़र्क है, UK के अलग हैं, तो यहाँ के अलग हैं। तो बट अगर आपके पास ऐसा है कि अगर आपको नया लेना है तो यहीं आके लीजिएगा, बट अगर आपके पास अपना सही सलामत चल रहा है वहाँ पे, तो अब बेशक उसे लेके आइए और यहाँ पे कुछ टाइम यूज़ करिए, उसके बाद ही नए लेने का सोचिएगा। आते ये नहीं कि आप लोग एकदम हर चीज़ के पीछे पड़ गए, कि बिल्कुल आते ही भाई सेकेंड डे मैं तो नया आईफोन लूँगा, मैं तो नया ये लैपटॉप लूँगा वो लूँगा, थोड़ा अपना पहले यहाँ पे बेस बना लीजिए। तो मेरी तो यही रिकमेंडेशन रहेगी, क्योंकि मैं भी अपना इंडिया से ही सब लेके आया था, जो मेरे पास पहले का फ़ोन था लैपटॉप था, मैंने तो यहाँ 1 साल तक उन्हें चलाया, उसके बाद चेंज किया था। तो मेरे को वो हर जगह वो कन्वर्टर की प्रॉब्लम आती थी, कि साथ में उसे लेके हर टाइम घूमना होता था। और साथ में अगर आप कैमरा प्रेफर करते हैं तो अगर आपके पास है तो वहीं से लेके आ जाइए, वरना कैमरे भी यहाँ पे आपको एक से एक बढ़िया सब अच्छे मिल जाएंगे, जो लोग कैमरे के शौकीन हैं। और ऐसी चीज़ें जो हैं जैसे कि ट्रिमर्स हुए या फिर हेयर स्ट्रेटनर हुए, वो सब आप लोग इंडिया से ही ले लें तो प्रेफर रहेगा, क्योंकि ट्रिमर्स मेरे को यहाँ पे थोड़े स्लाइटली एक्सपेंसिव लगते हैं, तो वो आप इंडिया से लेके आ जाइए अगर आपके पास स्पेस है तो। सब लोग अपने देख लिए, ऑन एवरेज 30 kgs ही होता है चेक इन लगेज में, ऑन एन एवरेज हर फ्लाइट का ऑलमोस्ट यही है। तो अगर आपके पास वेट है तो ये सब चीज़ें इंडिया से लेके आइए, और साथ में पावर बैंक्स ये सब आप याद रखना। पावर बैंक्स का बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को, वो चेक इन लगेज में अलाउड नहीं होता है, वो आपको हैंड लगेज में ही लेना होता है पावर बैंक हमेशा। ये मैंने लोगों को ये भी करते देखा है कि एंड समय में उनका चेक इन लगेज चेक हुआ, उन्हें जाके पावर बैंक उससे निकालना पड़ा है। तो पावर बैंक हमेशा हैंड लगेज में होता है। और कन्वर्टर तो ऑब्वियसली आप लेके आइए हीगा, बहुत सारे, एटलीस्ट 3-4 तो, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें हम इंडिया की ऐसी लाते ही हैं जो यहाँ पे यूज़ नहीं होते हैं, तो हमें कन्वर्टर चाहिए होता है। तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं जो कि ऑब्वियसली मस्ट भी होती हैं, और साथ में रखिएगा तो नीड होती हैं। और साथ में इन सब के लिए थोड़ी सी हम वहाँ एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, एक ने मुझसे एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव के बारे में पूछा था कि क्या वो अलाउड होती है। जी हाँ, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या पोर्टेबल हार्ड ड्राइव अलाउड होती है, और उसे हम अपने चेक इन लगेज में रख सकते हैं। बट ऑब्वियसली कोई उसमें ऐसा बाई चांस चेक हो गया तो कोई ऐसा डाटा मत रख लीजिएगा जो कि ऑब्वियसली सही ना हो ऑन लीगल टर्म्स। तो बट हार्ड ड्राइव एक्सटर्नल अलाउड होती है, आप चेक इन लगेज में उसे रख सकते हैं। तो ये मुझे बताना था। इसी से रिलेटेड मैं, क्योंकि चेक इन लगेज की बात कर रहा हूँ, तो एक ने बहुत पहले मुझसे ये भी पूछा था स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के बारे में, और क्योंकि मेरे को स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा शौक है तो मैं वो भी इसमें कवर कर दूं कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स आप लोग ला सकते हैं, भले ही आपका टेबल टेनिस हो, बैडमिंटन रैकेट हो, अगर आपकी स्पेस अलाउ करती है तो चेक इन में ला सकते हैं। अगर आपके पास 30 kgs के अंडर है और कुछ भी नहीं है तो आप पूरी क्रिकेट किट भी ला सकते हैं। मेरे एक फ्रेंड लाया था क्रिकेट किट अपना इंडिया से ही,
और वरना किसी को अगर बैट लाना है या कोई और हेलमेट लाना है उसकी जगह, तो ये सब ला सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे वो सब चीज़ एक्सपेंसिव होती हैं। ये मैं अच्छे से बता दूँ क्योंकि मेरे को इसकी बहुत नॉलेज है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, अगर 1 सेकेंड रुकिएगा, ये जैसे कि मैंने यहाँ पे क्रिकेट बैट लिया था, अगर आप जानते हो इंडिया में दिल्ली के पास एक जगह है मेरठ, बहुत से लोग जानते होंगे, और वहाँ पे सब स्पोर्ट्स गुड्स बनते हैं, और मैं वहाँ पे जाके लेता था पहले, मैं वहाँ की हर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में गया हूँ, तो वहाँ पे आपको इसके हाफ दाम पे मिल जाएंगे। ये जैसे कि देख लीजिए मेरा यहाँ का बैट है, मैंने लिया था ग्रेड 2, जो लोग जानते हैं बैट के बारे में, ग्रेड 2 इंग्लिश विलो, और ये देख लीजिए 8-9 ग्रेन्स का है, बट ये बैट मुझे यहाँ पे $450 का मिला था, तो आप खुद देख लीजिए। और ये आई एम श्योर अगर कोई मेरठ से लेगा तो हाफ प्राइस पे मिल जाएगा ये बैट वहां से। तो अगर आप लोग ये सब चीज लाना चाहते हैं इंडिया से तो ले आइए, अगर आपके पास स्पेस है, बिकॉज यहाँ पे आके ये सब बहुत एक्सपेंसिव मिलेंगे। अगली जो मेजर कैटेगरी, जिनका बहुत कंफ्यूजन होता है और जो मुझसे मैसेज करके बारे में पूछते हैं, मेडिसिन की क्वेरीज होती है लोगों की, कि किसी को प्रिस्क्रिप्शन के बारे में डाउट होता है, किसी को डाउट होता है क्या ला सकते हैं क्या नहीं ला सकते हैं। तो देखो रूल तो एक ही है, अगर आपके पास कोई मेडिसिन है तो प्रिस्क्रिप्शन बेटर होता है, बट जो जनरल मेडिसिन होती हैं, अपना हेडेक की हो गई, कोल्ड फ्लू हो गया, ये सब चीजें आप अपने पास रखिए इंडिया में, क्योंकि ये तो कभी जरूरत पड़ सकती है। हो सकता है आप यहाँ पे सेकेंड डे आए और सेकेंड डे ही जरूरत पड़ जाए मेडिसिन की, तो जनरल मेडिसिन अपने पास रखिए, और फिर भी अगर हो सके तो किसी से प्रिस्क्रिप्शन बनवा के रख लीजिए इन जनरल मेडिसिन का भी, या फिर अपनी मेडिकल शॉप से, नियर बाई हर कोई जानता ही है कि उनसे, कि ये इस चीज़ के, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, जब पैसेंजर कार्ड जो फ्लाइट में भरवाया जाता है आपसे, उसमें जनरल मेडिसिन अगर आपको डिक्लेयर करनी भी है तो बस आप ये लिख सकते हैं फॉर पर्सनल यूज जनरल मेडिसिन, अगर आपको डिक्लेयर करनी है। प्रेफर तो यही रहता है कि हर चीज़ डिक्लेयर कर दीजिए, बट अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक मेडिसिन है जिसका आपका इलाज चल रहा है तो वो जरूर डिक्लेयर कर दीजिए, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में ला रहे हैं, और उसका प्रिस्क्रिप्शन भी होना चाहिए जरूर, क्योंकि अगर आपकी चेकिंग हुई तो वो पूछेंगे, बिकॉज मेडिसिन कोई पर्टिकुलर ज़्यादा लानी अलाउड नहीं होती है अगर आप बल्क में ला रहे हैं तो उसे जरूर डिक्लेयर करिएगा। कोई भी चीज़ ऐसी झूठी करके ये मत सोचिएगा कि मैं बच जाऊँ, क्योंकि उससे कुछ फायदा नहीं। अगर आप क्लियर रहेंगे तो वो आपसे कुछ नहीं कहेंगे कि ये इस चीज़ यूज़ किया है, मैं ऐसे यूज़ करता हूँ, और ये मेरे पर्सनल यूज़ किया है, बस आपको पैसेंजर कार में डिक्लेयर करना होगा। तो ये क्वारीज मुझे बहुत टाइम से आ रही थी। दोस्तों मेरे पास अभी बहुत सारे और भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स के, जिन्होंने स्पेसिफिक पॉइंट्स पूछे थे फूड आइटम्स से रिलेटेड, कि क्या इस सिचुएशन में कोरोना के बाद क्या लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए, या फिर कुछ स्पेसिफिक क्लोथ्स के बारे में पूछा था, या फिर यूटेंसिल्स के रेट तक भी पूछे थे उन्होंने कि क्या यूटेंसिल्स लाएं ना लाएं, क्योंकि स्पेस सबके पास लिमिटेड होती है। तो दोस्तों अगर मैं वो सारे पॉइंट्स और बहुत सारे क्वेश्चन अगर कवर करने लगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मोर देन हाफ एन आवर की हो जाएगी, और आप लोग मुझे देखते देखते हो जाओगे बोर, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ आप वो चीज़ें मैं पार्ट 2 में कवर कर दूंगा। अभी आपके इनसे रिलेटेड और अगर क्वेश्चंस हैं और तो वो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आपस में भी आप लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज अब यहाँ पे आएंगे तो वो इंटरेक्शन आप लोगों को बहुत ज़्यादा बढ़ाना ही पड़ेगा, तो इसलिए मैं सोचा हूँ और परेशान ना करूँ आपको इस वीडियो में। बट फिर भी ये सब पॉइंट्स मेजर इंपॉर्टेंट थे जो लोग मुझसे पूछ रहे थे और जनरली लोगों को नहीं पता होता है, और भी जो कुछ मैं आप लोगों को खुद से बता सकूंगा मेरी लाइफ एक्सपीरियंसेस से वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, और सब्सक्राइबर्स के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर दूंगा पार्ट 2 में। तो ऐसे ही आप लोग मेरे को देखते रहिए, बने रहिए मेरे चैनल के साथ, और जो लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करेगा मेरे चैनल को और शेयर करेगा इस वीडियो को जो लोग ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं, और इससे कम्युनिटी भी बिल्ड होती है, क्योंकि आपस में आप लोगों को इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि कुछ भी है हम यहाँ आके अकेले ही होते हैं, चाहे स्टूडेंट की तरह आए या फिर बहुत से अकेले वैसे भी आते हैं PR के बाद या स्किल्ड माइग्रेंट्स आते हैं, तो बट डरिएगा मत। मेरे कहने का मतलब यह है कि अपॉर्चुनिटी के लिए जैसे ही मौका मिले आपको आने का डरिएगा मत, बिल्कुल रेडी रहिएगा। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, स्टे सेफ एंड मैरी क्रिसमस। चलिए बाय फ्रॉम मेलबर्न, तब मिलूंगा बहुत जल्दी सेकेंड पार्ट लेके, और जो लोग मुझे ये वीडियो बाद में देख रहे हैं उसका सेकेंड पार्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा बाद में। चलिए बाय, नमस्ते।